पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल ने कलेक्टर पहाड़िया से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि इंजीनियर राहुल शर्मा की हालत खराब होने पर निजी अस्पताल ने जीएचके क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस से जयपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ऑक्सीजन की कमी से राहुल की मौत हो गई। ज्ञापन में मामले की चल रही जाँच में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शामिल करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हमारे शहर के युवा होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा, जिसकी उम्र केवल 33 वर्ष थी, उसको अलवर से जयपुर ट्रांसफर शिफ्ट करते टाइम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाने के कारण से उस बच्चे ने अपना जीवन समाप्त हो गया उसका जीवन। और बड़े अफसोस और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस वो वेंटिलेटर वाली होती है और उसमें पर्याप्त गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन। दो सिलेंडर उसमें रखे हुए थे दौसा के पास, जब एक सिलेंडर जो चल रहा था उसमें एम्बुलेंस में उसकी गैस खत्म हुई, तो जब वो कंपाउंडर साथ थे उन्होंने जब सिलेंडर बदलने के लिए दूसरा सिलेंडर देखा तो वो खाली था। इस क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में मरीज को शिफ्ट करके उसको रवाना करने से पूर्व जो भी नोडल ऑफिसर हैं सामान्य चिकित्सालय के, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस थी, उनको या पीएमओ के जो भी इस काम के लिए अधिकृत कंपाउंडर या डॉक्टर हैं उनको ये चेक करना चाहिए था कि इसमें गैस कितनी है। ये ना तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है और ना किसी अन्य की जिम्मेदारी है, ना परिजन की जिम्मेदारी है, परिजन वैसे ही परेशान होते हैं। एक 33 साल के युवा होनहार व्यक्ति बच्चे की डेथ हो जाना, जिसके मात्र 3 साल की बच्ची है, 6 वर्ष मात्र शादी को हुए, अलवर के पूरे शहर के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत शोक का विषय है। इसमें जिस तरह से मैंने देखा है, दो दिन से बड़ी बड़ी खबरें पूरे राजस्थान में या अलवर में तो छपी रही हैं, उनको देख के हम सब लोग उसी टाइम से द्रवित हैं, मन परेशान है। मैंने ज्ञापन बनाया, एक जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर बनाया, जिसमें मैंने मांग की है कि उस परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम इस जांच कमेटी में शामिल किया जाए, जो ये तो बताए जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। समिति अपनी रिपोर्ट आपके सामने रख देगी, उसके बाद आप उस रिपोर्ट को किस तरह से क्या काम में लेंगे, ये एक प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है, लेकिन अगर उस परिवार का एक व्यक्ति होगा तो रिपोर्ट गलत बनने की संभावनाएँ समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, मैंने ये कहा है कि उसमें जो कंपाउंडर गया था साथ, वो केबिन में बैठा था, वो अंदर नहीं था। तीसरा, सिलेंडर एम्बुलेंस को चेक करने वाले किस आदमी की जिम्मेदारी थी। एक मैंने खास तौर से ये कहा है कि इसमें जो जांच कमेटी है वो रोजाना रिपोर्ट करे कलेक्टर साहब को, ना कि पीएमओ साहब को या सीएमएचओ साहब को। एक अच्छा विषय ये है कि कलेक्टर साहब ने समिति को, धीरज जी जो प्रशिक्षु आईएएस हैं वो खुद एमडी डॉक्टर हैं, पीजी डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में बनाया। निश्चित तौर पर मेडिकल ग्राउंड पर जो आवश्यकताएँ देखी जानी चाहिए उनको स्वयं डॉक्टर होने के नाते वो देख लेंगे। अंत में मैंने उसमें मांग की है, मुख्यमंत्री जी के नाम भी एक ज्ञापन दिया जिसमें मैंने कहा है, मात्र 33 वर्ष की उम्र में उस बच्चे का निधन हुआ है और सरकारी प्रशासनिक खामियों के कारण से हुआ है। उस बच्चे के परिवार को 20 लाख रुपए का एक पैकेज और उसकी पत्नी को तत्काल प्रभाव से उसकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी दी जाए।